हेलो फ्रेंड्स, मीतूस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बस सिर्फ दो चीजों से बनने वाली बिना गैस जलाए इतनी टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम सामानों से, सिर्फ दो ही चीजों से आप इसे तैयार कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से दो चीजों से बनने वाली ये स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हाँ, मैंने फ्रेंड्स पार्ले जी के बिस्किट लिए हैं। ये दो 5-5 रुपीज के पार्ले जी के बिस्किट पैकेट मैंने लिए हैं। आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को पैक में से निकाल लेंगे। अब हमें इन्हें क्रश करना है, तो उसके लिए हमें मिक्सर ग्राइंडर यूज करूंगी। मिक्सी के जार में हम बिस्किट को हल्का सा तोड़कर डाल देते हैं। सारे बिस्किट के पीसीस को इसी तरीके से तोड़कर हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो सभी बिस्किट पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। चलिए इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बहुत ही बारीक पाउडर होना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई भी बिस्किट का मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। बिस्किट हमारा पीसकर तैयार हो गया है, बिल्कुल फाइन मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो एक बार इसे किसी छन्नी से छान सकते हैं। तो चलिए बिस्किट के पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देते हैं, 2 चम्मच डेजिकेटेड कोकोनट यानी गोले का बुरादा डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने भरकर गोले का बुरादा लिया है। ये दोनों चीज ऑप्शनल है, बस मिठाई के टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर ऐड करें। मैं यहाँ पे इसमें 1.5 चम्मच शुगर डालूंगी। तो घर की रेगुलर चम्मच से हम इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाल देते हैं। आप इसकी मात्रा को अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर कम मीठा पसंद करते हैं तो बिना चीनी के भी आप इसे बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था, बिना दूध या घी के हम इसे बना रहे हैं। तो आज मैं इसकी जगह मलाई यूज कर रही हूँ। घर में हम दूध के ऊपर जो मोटी परत आती है उसे इकट्ठा करके रखते ही हैं ज़्यादातर दोस्तों, तो वो हमेशा अवेलेबल होती है हमारे पास। आपका जब भी मीठा खाने का मन करे, आप इन दो चीज़ों से ये टेस्टी मिठाई बनाकर झटपट बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। तो मलाई को हम इसमें डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप जरूरत के अनुसार इसमें मलाई मिला लीजिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब मलाई ली है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से बन सके। फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो 2 चम्मच के अलावा अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं या पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप दूध ऐड करना चाहते हैं या पानी ऐड करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ मलाई से ही इस मिठाई को बनाना चाहते हैं। तो मैं पूरी की पूरी मलाई यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ ना ही दूध यूज़ करूँगी ना ही पानी। मलाई से ये बहुत ही बढ़िया मुँह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरीके का डो हमारा बनना चाहिए ताकि जब हम इसे कुछ भी बनाएं तो बहुत अच्छे से ये शेप ले सके। तो आप चाहें तो इससे देखिए गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इससे पेड़े बना सकते हैं। लेकिन आज मैं इसे किड्स स्पेशल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये एक चॉकलेट मोल्ड यूज किया है फ्रेंड्स। तो ये चॉकलेट बनाने वाला मोल्ड है, सिलिकन मोल्ड है, जिससे बनी हुई रेसिपीज बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो ये सभी रेसिपीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो अब हम इस सिलिकन मोल्ड के अंदर तैयार किए हुए डो को थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसे हमें दबाते हुए भरना है ताकि जो सिलिकन मोल्ड में शेप्स हैं वो बहुत अच्छे से फिल हो सके और बहुत ही बढ़िया शेप आए। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डो को इसमें भर रही हूँ। अच्छे से दबाते हुए हमें इसे भरना है। इसी तरीके से हम पूरे जितने भी मोल्ड में कैविटीज हैं सभी में इस तरीके से डो को भर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा मोल्ड मैंने फिल कर लिया है। अब आपको इसे या तो आप अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इंस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल इंस्टेंट निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत इजीली निकल आती है फ्रेंड्स। इंस्टेंट भी आप इसे बनाएंगे तो ये तुरंत के तुरंत शेप लेकर निकल आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का सा कैविटी को आपको पीछे से पुश करना है और हमारी स्वीट सी बहुत ही प्यारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसे हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शेप आई है। आपके पास जो भी शेप का मोल्ड हो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर मोल्ड नहीं है तो सिंपली आप इसे पेड़ा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं और अपने मनचाही शेप में आप इस मिठाई को बनाकर बच्चों को या बड़ों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं सारी मिठाई को मोल्ड में से निकाल लेती हूँ। वाओ, बच्चे से चॉकलेट समझ के 2 मिनट में फिनिश कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने सभी मिठाई रेडी कर ली है। वाओ, इतने से सिर्फ 10 रुपए में हमारी कितनी सारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, तो ये किसी जादू से कम नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहें तो सिर्फ 5 मिनट में ये मिठाई बनाकर फटाफट अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, अपने बच्चों को सर्व कीजिए। बहुत ही इजी मेथड है इस मिठाई को बनाना। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।